दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना। पूरा देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये देखिए, ये पैंट जो है डबल टेकिन वाली है, ठीक है। डबल टेकिन वाली पैंट काटने में आपको परेशानी होती होगी या नहीं आता होगा, तो इस वीडियो को आप देखोगे पूरा तो आप सीख जाओगे बिल्कुल 100%। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अगर आप सीखना है डबल टेकिन वाली पैंट कटिंग की या कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो हल्का लंबा है, लगभग 18 मिनट के आसपास है, तो वीडियो को पूरा देखते ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा एक बार में ही। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, फिर आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दे, काफी मेहनत लगा है इस वीडियो बनाने में। ये देखिए, ये जो है मेरा एल स्केल है, तो सबसे पहले मैं ऊपर से एक सीधा सा मार्का लगाऊंगा इसके द्वारा, इधर से सीधे इस तरीके रखेंगे तो ये सीधा मार्का लग जाएगा, और इसके बाद लेंथ यानी कि लंबाई का मार्का लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से मैं क्या करूँगा, 1 इंची में माइनस कर लूँगा जो बेल्ट लगाते हैं ना उसके लिए, और यहाँ से देखिए लंबाई इसका जो है 39.5 से, तो 39.5 भी इस तरीके से मार्का लगा ले। और इसमें जो मैं तुरपाई का मार्जिन दूंगा वो दूंगा 2.5 इंची, देखिए 1 इंच 2 इंच, ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच हो गया। इसके बाद इसको हम बराबर रख लेते हैं इस तरीके से, और घुटने का जो हम मार्का लगाएंगे तो ये 21 पे लगा लेते हैं। आप इसका मेन फार्मूला बता दें तो ये दोनों का यहाँ से यहाँ तक जितना लंबाई होता है दोनों को 50-50 करके और इसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो लगभग 20-21-22 के आसपास में ये घुटना आता ही है, आप ऐसा कर लेना। और ये देखिए, ये जो हम लटक का मार्का लगाने वाले हैं तो दो फार्मूला आपको बताएंगे, आप दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हिप का चौथाई भाग लगा सकते हो आप, और जो मेजरमेंट किए उसके अनुसार भी आप 3 इंच माइनस करके लगा सकते हो। तो दोनों बताएंगे आपको, जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका जो हिप है दोस्त, जो कमर के नीचे ना पाता है वो हिप बोलते हैं, तो 37 है, ठीक है 37 है। तो 9 चौका 36 है, 2 सूत और हो जाएगा तो ये 37 हो जाएगा, बट देखते हैं मेजरमेंट के अनुसार ये कितना को आता है। तो इसका मेजरमेंट के हिसाब से ये जो है 26 है, लटक 26 है, तो ये 13 आया, 13 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो ये 1, 2, 3, 10 आ रहा है, ठीक है। तो आप सोचो हिप के, ये जो हिप है ना, तो ये फिटिंग का फॉर्मूला है, इसमें 0.5 इंच और प्लस हो जाता है लूजिंग पैंट में, तो ये आया कितना, 10.25, ठीक है। तो ये 10 सही है, मेजरमेंट जो होता है ना परफेक्ट होता है, क्योंकि कितने लोग नाभि के ऊपर से पहनते हैं लूज पैंट, कोई बिल्कुल चुआ के पहनता है, तो इसके अनुसार अगर हिप के अनुसार लगाओगे तो कुछ गलत हो सकता है, बट ये चलेगा हिप के चौथाई भाग, अब मेजरमेंट किए हो तो वो परफेक्ट है। तो ये देखिए, ये जितना जितना पे मार्का है एक और लगा देते हैं ताकि ये सीधा मार्का लगाने में काफ़ी आसान हो जाता है, नहीं तो इसलिए इस मार्का को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हर मार्का को आप सीधा कर ले, स्ट्रेट कर ले, तो ये देखिए स्केल जो है मेरा सीधा वाला है। ये जो आप स्केल का सेट देख रहे हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज यानी कि खरीद सकते हो, ऑनलाइन अमेजोन का लिंक दिया हुआ है, तो आप ख़रीदना चाहें तो ऐसा स्केल चाहिए तो आप खरीद ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए मेरा हर लाइन जो है स्ट्रेट हो गया, यहाँ से सीधा के एक मार्का लगाएंगे। ये देखिए सीधा मार्का लगाने के बाद इसका जांग थाई जितना है, थाई का मार्का लगाएंगे, तो इसका जो थाई है दोस्त वो 25 है, तो ये देखिए 12.5 को लगाएंगे, और इसमें आपको कमर के अनुसार कम बेसी जांग करना पड़ता है, तो देखते हैं कितने एक्यूरेट आ पा रहा है। तो ये देखिए, ये जितना है ना, ये 25.5 है, तो 25 का हमने तो लगा दिया परफेक्ट, और इसका बीच का एक मार्का लगाएंगे सेंटर का, तो ये 12.5 है तो 6.25 सेंटर आएगा। और ये देखिए, यहाँ से पूरा किनारे पे नापेंगे कितना आ रहा है, तो ये 12 आया। ये देखिए 12 को हम यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे टेकिन के साथ साथ पूरा मेरा कमर का मार्का आ पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम 12 पे रखें इंची टेप को, अगर आप चाहो तो यहाँ से 2 सूत कम कर सकते हो, या टेकिन वाले में आप नहीं कम करें, उतना ही का उतना ही रख सकते हो, तो मैं कम नहीं करूँगा, पहले ही डाउट लग रहा है कि जांग कम है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 12 पे मार्का लगा दिया, और इसमें देखते हैं कमर कितना है, तो कमर जो है 34 है, कितना 34 है, तो ये देखिए 8.5 आएगा चौथाई भाग, 8.5 आया। इसमें सिलाई का मार्जिन आप 1 इंच दे सकते हो। अब टेकिन जो है कम से कम 7.5 इंच फर्स्ट टेकिन और 1.25 इंच दूसरा टेकिन, यानी कि 2 इंच चाहिए टेकिन के कपड़ा के लिए, एक्स्ट्रा कपड़ा के लिए। तो ये देखिए 9.5 पे हो गया फिक्स, तो 10.5, ये 11.5,
तो इसमें लगभग आधा इंच और कपड़ा चाहिए, मुझे आधा इंच और कपड़ा चाहिए, तो जांघ में हम क्या करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम जांघ में बढ़ा लेंगे, या यहाँ पे जो हम टेकिन देने वाले हैं वो कम देना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है, एक टेकिन आपको पौन इंच का, दूसरा जो है आधा इंच का देना होगा, तो सही नहीं लगेगा, तो इसलिए हम आधा इंच यहाँ को बढ़ा लेंगे, यानी कि 26 कर लेते हैं जांघ को। ये देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे, और ये देखिए डेढ़ इंच माइनस करेंगे, ये जब 26 हो गया तो 26 में यहाँ देखिए 13 हो गया, तो 6.5 इस तरीके से हमारे लगाएंगे, इसको कट कर देंगे, यहाँ सब देखेंगे कितना आ रहे थे, देखिए 12.5, तो 12.5 को इस तरीके से लेकर इस मार्का को कैंसिल करेंगे, ये 12.5 वाला इस तरीके से मार्का लगाएंगे, और ये देखिए 8.5 यहाँ आएगा, और आधे इंच सिलाई हो जाएगा 9.5, और इसी में से मैं 2 इंच ये देखिए 2 इंच आ गया एक्स्ट्रा टेक इन के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने मार्का लगा दिया। अब इसको हम स्ट्रेट करेंगे, अब पूरा मार्का देखोगे तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल, टेकिन वाला पैंट कटिंग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा समझ में, और ये जो छोटा है यहाँ से भी स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। ये देखिए ये जो टेकिन लगता है इसी के निशान पर लगता है सामने, तो ये जितना पे है सेंटर बीच का 7.5 पर आया, पूरा किनारे बीच तो 7.5 का यहाँ लगा देंगे। फर्स्ट टेकिन ये देखिए 1.25 इंच का, 1 इंच 2 सूत का, और इससे जो अलग रहेगा डिवाइड वो रहेगा 1.5 इंची से 1.25 इंच तक अलग रहता है, तो 1.25 पे हमने अलग लगा दिया, और ये देखिए 1.25 इंच का एक और टेकिन का मार्का हमने लगा दिया। ओके 2 इंच तो ये माइनस हो गया ना दोस्त, यहाँ से इस तरीके से हम सीधा लगाएंगे, और यहाँ से इसको इस तरीके से तिरछा एक टेकिन का हो गया, एक प्लेट हो गया, और यहाँ से इसको इस तरीके से लगाएंगे, और इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये मेरा दूसरा टेकिन हो गया, दूसरा टेकिन हो गया। यहाँ पे हल्का सेब मार्का लगाएंगे, ये देखिए सेब स्केल से, तो इसको इस तरीके से हम मार्का लगाएंगे। अब यहाँ पॉकेट का मार्का लगा लेते हैं, पॉकेट का जो हम मार्का लगाएंगे यहाँ से 1.25 इंच नीचे को मार्का लगाएंगे, और इसका जो पॉकेट हम ओपन रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे 6 इंच, ये देखिए, और पॉकेट का भी इस तरीके से हम मार्का लगा लेते हैं ताकि समझ में आए कि ये पॉकेट है, ये देखिए ठीक है, ये पॉकेट का मार्का हो गया। यहाँ से हम जो डाउन करेंगे आगे की तरफ वो करेंगे टेकिन वाला में 1 इंच, फिटिंग वाला में 1 इंच, बच्चे में भी 1 इंच करते हैं, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से इसको इस तरीके से हम डाउन कर लेंगे, ये डाउन हो गया। अब इसका जितना कमर है कमर को लिख देंगे 34 कमर है, ये देखिए 34, और यहाँ से जितना सेंटर है ना ये 7.5 है, तो 7.5 को यहाँ पे एक मार्का लगा लेंगे, ये देखिए ठीक है, और 7.5 को एक मोहरी पे मार्का लगा लेंगे। अब देखेंगे मोहरी इसका कितना है, तो दोस्त इसका जो मोहरी है 18 है, तो ये देखिए 18 में 9 इंच आएगा, तो 9 का आधा करेंगे तो 4.5, तो 4.5 इधर को एक मार्का लगाएंगे, और 4.5 एक इधर को मार्का लगाएंगे, ठीक है, तो ये 9 आ गया। और ये रहा मेरा लेग स्केल यानी कि पैर का स्केल, तो यहाँ से इसको इस तरीके से रखना है, और फिटिंग पैंट में जो है घुटना का मेजरमेंट नहीं होता है, तो इसको इस तरीके से मैं मिला दूंगा, और यहाँ से हल्का इस तरीके से सेव कर लूँगा, सेम सिचुएशन वही है, यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लूँगा। ये देखिए परफेक्ट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, फिर जो है आपको बैक प्लग कटिंग करके दिखाते हैं। डबल टेकिन में अक्सर जो है मैं बता दूं कि प्लेट आ जाती है, सॉरी वो टेकिन आ जाती है जांघ में, देखते हैं इसमें आ पा रहा है कि नहीं, ज़्यादा हेवी साइज़ में आ जाता है, बट ये कुछ ज़्यादा हेवी साइज़ नहीं है, बट कपड़े का जो चौलाई है हल्का कम लग रहा है, तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं, अगर आ जाएगा तो आप लोग भी टेकिन जो होता टेकिन पड़ता है वो सीख जाएंगे किस तरीके से टेकिन के कपड़ा निकालते हैं, सॉरी कली का कपड़ा निकालते हैं जो जोर पड़ता है जांघ के पास, और इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक आप वीडियोस को देखे हैं तो पूरा देखें ताकि बैक वाला भी कटिंग करना आ जाए, और कटिंग करने आता होगा तो आप अच्छे तरीके से सर्टिफाई हो पाएंगे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। इसको हम साइड में कर लेते हैं, और ये जितना टेकिन है सॉरी जितना मार्का हमने लगाया है इसको हम क्या करेंगे कि इसको
कुटका लगा देंगे, नोचिस लगा लेंगे, ताकि बैक पला में, दोनों पला में जो है मुझे पता चले कि यहाँ से निशान ये चीज़ का है। ये देखिए, जैसे मरका है वैसे हम कटिंग कर लेंगे। वीडियो हल्का लंबा हो सकता है, बट आप डिटेल्स में सीख पाएंगे बिल्कुल फॉर्मूले के साथ। ये देखिए, फ्रंट कटिंग हो गया, अब जो है बैक वाला कटिंग करेंगे। इसको इस तरीके से पलट लेना है। ये देखिए, हमने फ्रंट को जो है ऊपर रख लिया, अब बैक वाला का हम मार्का लगाएंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से बराबर को हम मार्का लगा लेंगे। ये बैक में, पीछा में जो है जिसका पेट ज़्यादा निकला हुआ रहेगा तो उसका ही ऊपर से जो उठाएंगे 1.25 इंच उठाएंगे, ठीक है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अच्छे तरीके से मैं जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से, ठीक है, ये जो मेरा देख रहे पॉइंट, यहाँ से फिटिंग में 1.5 इंच उठाता हूँ, ठीक है, और डबल टेकिंग पैट में भी 1.5 इंच उठाता हूँ। बट जिसका पेट ज़्यादा निकला हुआ रहता है उसका मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 सूत बढ़ा देता हूँ, ताकि उसका जो है ना ये आगे एक तरफ घिंचता ज़्यादा है तो वो नहीं खींचेगा। ये देखिए, 1.25 इंच 2 सूत बढ़ा देता हूँ मात्र, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से फार्मूला यूज़ कीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। और ये देखिए, यहाँ से मैं क्या करूँगा कि हल्का जो मेरा सेफ स्केल है इससे इस तरीके से उठाते हुए इस तरीके से मैं ये मार्का लगाऊँगा। यहाँ से जितना भी मेरा ये मार्का है फ्रंट में, इसको हम कॉपी कर लेते हैं बैक में, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 सूत इस तरीके से उठाकर एक मार्का लगा देंगे सीधा, और इसी मार्का से 1.25 इंच नीचे को एक मार्का लगा लेंगे, और ये घुटना का इस तरीके से मार्का लगा देंगे, और यहाँ पे मोहरी का मार्का लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा, ये मेरा जो है जांघ है तो यहीं पे अक्सर ज्वाइंट आता था, इसमें नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो लूजिंग दे रहा हूँ दोस्त, वो दे रहा हूँ 2.5 इंची, 2.5 इंची बता दे। तो ये देखिए, 2.5 इंची में इतना को लूजिंग दे रहा हूँ, ओके, आपको दिख पा रहा होगा। और यहाँ से मैं दूंगा 0.5 इंच, यहाँ से कम कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा 2.5 इंच है, तो ये 2 इंच हो जाएगा। और मोहरी के पास जो होगा वो हो जाएगा दोस्त 1.5 इंची। ये देखिए, 1.5 इंची यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्का लगा दिया, और इसको जो है कुछ इस तरीके से हम मार्का लगाएंगे। ये देखिए, कुछ इस टाइप का ये मार्का मेरा जाएगा, यहाँ से ये इस तरीके से आएगा, और ये जो है मेरा इस तरीके से मार्का लग जाएगा। ये देखिए, कंप्लीट मार्का लग गया। यहाँ पे कमर के पास आते हैं तो ये देखिए 34 है ना, तो ये 8.5 हो गया, और 0.5 इंच सिलाई का तो ये 9 हो गया। यहाँ पे मार्का लगा दिए। बैक पॉकेट जहाँ बनता है वहाँ पे जो टेकिन पड़ता है वह 1 इंच का रहता है, ये 1 इंच का हमने मार्का लगा दिया। यहाँ से घटाने बढ़ाने के लिए कमर जो है हम 2.5 इंची बढ़ती दे दिए। अब हिप देखिए, यहाँ से हम मार्का लगाएंगे हिप का। फिटिंग पॉइंट में हम यहाँ से लगाते हैं और लूज पैंट में यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, जो जांघ का मार्का है हिप का। तो इसका जो हिप है दोस्त वो है 37 इंच। तो देखिए, 9 चौका 36, 2 इंच बढ़ा दिए तो 37 हो गया, 0.5 इंच सिलाई का मार्जिन हो गया, इधर से जो सिलाई होता है
तो ये 10.25 को हो गया। इसमें जो लूजिंग देंगे दोस्तों वो आप 1 इंच भी दे सकते हो, 1.25 भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हो। तो इसमें हम जो लूजिंग देंगे वो 1.25 देंगे। आप 1 इंच ज़्यादा लू चाहिए तो आप 1 इंच दे सकते हैं। तो इसमें हमने 2 इंची फ्रंट में लूजिंग दिया हूँ, तो बैक में ज़्यादा लूजिंग अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल झोल हो जाएगा, पीछे से हल्का फिट टाइप का लगना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से मैं क्या करूँगा कि ये मरका मिला दूँगा। ये मरका मिलाने के बाद ये जो मेरा निशान जाएगा राउंड वाला, ये जाएगा नीचे पे, इस पे ये मेरा सिलाई होगा, और ये जो मेरा मरका लगेगा इस पे कटिंग हो जाएगा। ये देखिए ये मरका मेरे को मिलेगा ऊपर यहाँ पे, ओके परफेक्ट। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब कैसे कटिंग करेंगे ये देखिएगा, ये देखिए यहां पे अगर आपका कपड़ा ज्यादा है इधर को और डाउट है कि इसको हम जांग उसका टाइट हो जाएगा, तो लूज करने के लिए आप यहाँ से जैसे फिटिंग में कपड़ा देते हो उसे दे सकते हो। बट मैं जानता हूँ कि मैं जिस तरीके से कटिंग करता हूँ वहाँ ज़्यादा लूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस तरीके से मरके के ऊपर ही कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए जितना पे हमने मरका लगाया उतना पे हमने इसको कटिंग कर दिया, ओके। अब इधर से मैं क्या करूँगा कि बिल्कुल सटाकर जैसे कि फ्रंट है ना सेम उसी तरीके से इसको भी हम कटिंग कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा कि कभी भी जांग को कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। हमें बता दूँ कि जिस चैनल पे आप देख रहे हो इस वीडियोज़ को तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर ले, ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आप दोनों चीज़ को फॉलो कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो।